वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार होली के 8वें दिन पड़ता है। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को चेचक खसरा जैसे रोगों का प्रकोप नहीं रहता। साथ ही माँ शीतला अपने भक्तों को लंबी आयु का वरदान भी देती है। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं वो लोग सप्तमी की रात को खाना बनाकर अष्टमी के दिन उस बासी खाने को प्रसाद के रूप में शीतला माता को अर्पित करते हैं और स्वयं भी बासी खाना ही ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे बसोड़ा कहते हैं। जिस जगह होली की पूजा होती है उसी जगह बसोड़े की पूजा की जाती है। भारत के उत्तर राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी जगहों पर शीतला अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि शीतला सप्तमी तिथि 13 मार्च की रात 9:27 से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च की रात 8:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी 14 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन शीतला माता की पूजा का समय सुबह 6:31 से शाम 6:29 तक रहेगा। वहीं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी 14 मार्च की रात 8:22 से शुरू होगी और इसका समापन 15 मार्च की शाम 6:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी 15 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन शीतला माता की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:30 से शाम 6:29 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को मीठे चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ये मीठे चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। वहीं कहीं कहीं माता को चावल और घी का भी भोग लगाया जाता है तो कुछ जगहों पर हलवा और पूड़ी चढ़ाई जाती है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। शीतला माता के पूजन के लिए मंदिर जाएं और शीतला माता को रोली लगाएं। रोली लगाने के बाद माता को फूल, वस्त्र, धूप, दीप, दक्षिणा अर्पित करें और उन्हें बासी भोजन चढ़ाएं और मीठे चावल का भोग लगाएं। माँ को दही, रबड़ी, अक्षत आदि चीजों का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान शीतला स्त्रोत का पाठ करें और घर के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। पूजा के बाद शीतला माता को भोग लगाकर स्वयं भी भोग ग्रहण करें। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखकर माँ का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। आइए जानते हैं शीतला माता की व्रत कथा। कथा अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतला अष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बासोड़ा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थी, उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताजा खाना बना के खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वह घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देख रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माँ को नाराज करने का फल बताया और कहा, जाओ जब तक अपने बच्चे जीवित ना कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें मिली। दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण परेशान थी। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुए निकाली। जुए निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं के पुत्रवती होने की कामना की। इस पर दोनों बहुएं अपना दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से ना दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माँ के साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी।
आप भी पूरे विधि विधान से शीतला अष्टमी की पूजा कर माता शीतला की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।